तो फ्रेंड्स बिहार के सभी वार्डों में भर्ती पंचायत स्तर पर भर्ती है दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती है, बिहार की नई बड़ी भर्ती, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे पद की बात करें तो अनुरक्षक का पद है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी राज्यों में यानी कि बिहार के सभी जिलों के सभी वार्डों में, सभी जिलों बिहार के जितने भी जिले हैं उस सभी जिले के सभी वार्ड में भर्ती को लेकर न्यू नोटिफिकेशन आया है पेपर में, जो कि आपको बता दें कि नल जल की, जो आपको पता ही है कि बिहार के सभी जिलों में नल जल की सभी वार्डों में सभी पंचायत में शुरू की गई थी, इसी को लेकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है अनुरक्षक की पद को लेकर यहाँ पे न्यूज है। तो देख लेते हैं कि क्या दिया गया इसको लेकर पेपर में, तो वीडियो के ऊपर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को रेड कलर को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, जिसकी जब भी आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे करेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑन नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको जितने भी जो बिहार में लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है तो सबको आपको यहाँ पे एक बार वीडियो को चैनल पर आकर देख लेना है, जो कि यहाँ पे ये वाले भी देख सकते हो पंचायत स्तर पर भर्ती आई है जो कि ये भी, और यहाँ पे बिहार मनरेगा को लेकर भी, तो ये सारे वीडियो सब एक लेटेस्ट वीडियो सब है। और बिहार सचिव के तहत जो पंचायत सचिव का जो है ब्लॉक लेवल पर जिसको ग्राम सेवक आता है कहा जाता है, वो भी पद 3600 सब, ये सारे वीडियो सब आप जाकर एक बार चैनल पर विजिट करते रहिएगा, जिससे आपको बिहार में नए नए लेटेस्ट वीडियो का आपको पता होता रहेगा। और ये भी यहाँ पे कृषि विभाग में जो है अपने गांव में ही जॉब कर सकते हैं, तो ये वाला वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारे वीडियो है जो कि आप चैनल पर आकर विजिट करते रहिएगा, जो कि आपको बिहार के नए वैकेंसी को रूबरू होते रहिएगा। तो इस चैनल सब पर आकर एक बार सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आप बात करते हैं कि न्यू जो पेपर में दिया गया है इसको लेकर। तो फ्रेंड्स ये रहा सभी राज्य सॉरी बिहार के सभी वार्डों में जो वैकेंसी है उसको लेकर जो पेपर में दिया गया था, ये वाला यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज आपको 18 फरवरी का पेपर में आपको ये मिल जाएगा, जो कि हिंदुस्तान पेपर में है, और पेज नंबर 8 में आपको पटना के पेपर में दिया गया है। तो पेज नंबर यहाँ पे 8 में ये दिया गया, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे आते सबसे नीचे तो आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत राज में सभी वार्डों में शीघ्र चयन का निर्देश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको मैं जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 28,000 वार्डों में हुआ चयन, और पंचायती राज ने सभी वार्डों में शीघ्र चयन का दिया निर्देश। तो शीघ्र ही इसका निर्देश दिया गया है इसको चयन को लेकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि नल जल की निगरानी करेंगे 28,000 अनुरक्षक। तो यहाँ पे दिया गया कि हर घर नल जल निश्चय योजना के तहत पेयजल की नियमित आपूर्ति की निगरानी अनुरक्षक देखभाल करने वाला करेंगे, और जिस वार्ड में योजना का काम पूरा कर लिया गया है वहाँ पर इन सहमति जिम्मेवारी होगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि रोज़ सुबह शाम पेयजल की आपूर्ति करना होगा, जो कि काम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे किसी कारण से पेयजल की आपूर्ति बाधित हो तो उसका तत्काल निष्पादन करना और समय पर पानी का पंप चालू करना आदि इनकी जिम्मेवारी होगी। और यहाँ पे दिया गया कि जिले से मिली रिपोर्ट के अनुसार 28,000 वार्डों में अनुरक्षक का चयन कर लिया गया है, विभाग ने अन्य वार्डों में भी इनके शीघ्र चयन का निर्देश दिया गया है ताकि नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति होती रहे। गौरतलब हो कि हर वार्ड में लिए यहाँ पे दिया गया हर वार्ड के गठित प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को ही अनुरक्षक का चयन करना है। जी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गौरतलब है कि हर वार्ड के जिले जो गठित प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति जो है वही अनुरक्षक का चयन करेगा। और यहाँ पे जिला से आई रिपोर्ट के अनुसार 28,000 वार्डों में चयन कर लिया गया है, जो कि इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि पंप को चालू करने समेत अन्य आवश्यक कार्य वह बेहतर ढंग से कर सके। इनके 500 रुपये महीना भी रिटेनर शुल्क दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 58,000 वार्डों में नल जल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 58,000 वार्डों में नल जल से आपूर्ति हो रही है, प्रबंधन के क्रियान्वयन समिति को चाहे
तो पंप आदि का मरम्मत आदि के लिए अलग से भी इन्हें राशि दी सकती है। और पंचायती राज विभाग द्वारा जिन्हें वार्डों से नल जल योजना का क्रियान्वित किया जाना जा रहा है, वही इस व्यवस्था को लागू होगी। विभाग 58,000 वार्डों में यहाँ पे नल जल योजना का क्रियान्वित कर रहा है, और जिन्हें 36,000 से अधिक वार्डों में योजना का काम पूरा कर लिया गया है, जो विशेष करीब 22,000 वार्डों में काम प्रगति पर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हो गया, इसका कोई विज्ञापन नहीं होगा। तो आपको उसको कैसे, आपको इस फॉर्म को जॉब करना चाहते हो, फॉर्म भरना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आपको अपने वार्ड में ही, अपने ही गांव में इसको फॉर्म को भर सकते हो, जो कि यहां पे लिखा गया है कि मतलब हो कि हर वार्ड के लिए गठित प्रबंधक एवं क्रियान्वयन समिति को ही अनुरक्षक का चयन करना है। तो अपना अपने आप वार्ड में पता करें कि वार्ड के जलिए जो गठित प्रबंधक एवं क्रियान्वयन समिति है वो कौन है, वहाँ से आप उसको अनुरक्षक के लिए चयन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी में बिहार जॉब से रिलेटेड पर्पली खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।